म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस जो हम अभी सुन रहे हैं कोरोना काल के पैंडेमिक में, ऐसा नहीं है कि बीमारी अभी से एग्जिस्ट करती है ये बीमारी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो इनिशियल डेज रहे हैं 6-7 साल मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में, बाद में मैंने जो अपना काम किया अपने करियर में, उसमें हम ये शुरुआती दौर से देखते आ रहे हैं कि जो भी मरीज़ जिसमें इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कैंसर पेशेंट्स जिनका कीमो रेडिएशन चल रहा है, पेशेंट्स जिनको स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपीज चलती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा एंटी फंगल रजीम की जो चीज़ें हैं वो चलना, और ओवरऑल इम्यूनिटी का कम होना किसी भी रीज़न से, इन सारे केसेस में ये ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस देखा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें एज ए डॉक्टर पहले भी इनकाउंटर होती रही हैं, लेकिन इस कोरोना काल में चूँकि मरीजों को ठीक करने के लिए एक स्पेशल दवाई जिसको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं, स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लेकिन उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमें एज ए डॉक्टर उसको यूज़ करने में। इरेटिक यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ स्टेरॉइड पेशेंट को ठीक करने में, या उसको ज़रूरत थी या प्रोफिलैक्टिकली दे दिया, उस वजह से उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो सकती है, और इस इम्यूनिटी के डाउन होने की वजह से जो म्यूकर यानी ब्लैक फंगस है, जो कि एक टर्म है जिसको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली सेप्रोफाइट्स हैं, ये फंगल सेप्रोफाइट्स हैं। फंगस को हम समझेंगे अगर तो फफूंद, आपने अमूमन देखा होगा ब्रेड पे अगर आप बाहर रखेंगे तो एक फफूंद बन जाती है वाइट, वो म्यूकर नहीं है, वो ब्लैक फंगस नहीं है, बट उसी तरीके की चीज़ें जिनको हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं या ब्लैक फंगस कहते हैं, वो नाक के अंदर उनका जमावड़ा होने लगता है, और उनके जमावड़े होने में कुछ फंगल स्पीशीज जिनको हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, जिसमें अमूमन राइजोपस म्यूकर, म्यूकर राइजालिस, एप्सीडिया क्यूनिंगोमेला, ये चार बेसिकली फंगस हैं जो उसमें पाए जाते हैं। चूँकि ये फंगस जिस भी स्ट्रक्चर को यानी कि जिस भी सतह को इन्वॉल्व करेंगे वहाँ जाके उसकी ब्लड सप्लाई को हैम्पर करेंगे या उसका नुकसान या उसकी कमी करेंगे ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड एज थ्रोम्बोटिक इन्वेजन, मीन्स छोटे छोटे खून के धक्के वहाँ जमाएंगे, तो आसपास की जो सतह होगी वो नॉर्मल नहीं लगेगी। कोई भी सतह जिसका नॉर्मल कलर पिंक है हेल्दी में, वो बिल्कुल डल हो जाएगी, डल होके वो आपको थोड़ी सी नीली या थोड़ी सी काली दिखनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करती जाएगी ये कालापन यानी कि जो एक्सटेंट ऑफ फंगस है वो बढ़ता जाएगा, और ये पूरा कालापन इस कदर दुखदायी या आप बोल सकते हैं इस कदर खतरनाक होता है कि वो जहाँ जहाँ जाएगा उस पूरे स्ट्रक्चर को, चाहे वो परतें हों यानी म्यूकोसा हो, चाहे वो हड्डियाँ हों, चाहे वो दिमाग का स्ट्रक्चर हो, स्कल बेस हो, चाहे वो खून में फैलने वाली क्षमताएं हों, चाहे वो हमारे फेफड़े हों, चाहे गुर्दे हों, उन सब चीज़ों को नष्ट करने की इसमें क्षमता होती है। दिखने में जो कालापन है जो कि इश्केमिया की वजह से आता है, वो इसका प्रारूप है कि हम इसको ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं। तो इसके लक्षणों के बारे में अगर हम संज्ञान लें तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आप कोरोना काल में कोरोना से ग्रसित रहे या हो, जिनको स्टेरॉइड्स वगैरह ड्रग्स ज़्यादा दी जा रही हैं, या आपका अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है ठीक होने के बाद भी या ठीक होते वक्त भी, या आपको कोई और प्रॉब्लम है और आप कोरोना से ग्रसित हो या ग्रसित रहे हो अभी रिसेंटली, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे आपकी नाक में अगर ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा जुखाम, सर्दी, ब्लॉकेज मीन्स नाक बंद लगने लगा, हल्का फुल्का सा थोड़ा सा दर्द होने लगा, आपकी आँखों में लक्षण आने लगे, खासकर से ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आँखों में सूजन आने लगी, आँखें लाल पड़ने लगी, आपकी जो देखने की क्षमता है वो ब्लर होने लगी मीन धुंधली होने लगी, आपको डबल दिखाई देने लगा, आपकी आँखें खुल नहीं पा रही हैं, बहुत ज़्यादा लाल हो रखी हैं, उनमें सूजन आ रखी है, नाक से रिसाव या बहाव की स्थिति है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपके जबड़े पे, खासकर से इस पूरे रीजन पे अगर सुनपन या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन या फिर जो जबड़े नीचे दांत हैं वहाँ पे दर्द महसूस करने लगे या दांत बहुत के सॉकेट्स लूज होने लगे,
मीन्स दांत आपको थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दे, आपकी सूंघने की क्षमता में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हो, हालांकि इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ का इम्प्लीकेशन तभी होगा जब और सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ नाक में वो भी हों। इसके अलावा अगर ठीक होने के बावजूद मरीज़ को बहुत तेज बुखार आने लगे, उसके ब्लड में इन्फेक्शन की स्थिति होने लगे, उसको बहुत ज़्यादा खांसी आने लगे, सांस में दिक्कत आने लगे, तो ये सब भी कुछ फैली हुई ब्लड में फैली हुई म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं।